स्वामी, मन में एक जिज्ञासा हो रही है, आज्ञा हो तो पूछूं? पूछिए देवी, जिज्ञासा को मन में नहीं दबाना चाहिए, निसंकोच पूछिए। स्वामी, हम तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसमें भी कोई किंतु परंतु है क्या? आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आपसे ही संसार का सारा सुख वैभव मिलता है। बताइए ना प्रभु, सबसे श्रेष्ठ कौन है? निसंदेह तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, क्योंकि आप शक्ति की देवी हैं। आप ही सृष्टि को शक्ति प्रदान करती हैं, और संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो शक्ति के द्वारा अर्जित ना की जा सके। इसमें क्या संदेह है देवी, तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। आप ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान से मनुष्य धन कमा सकता है और शक्ति भी अर्जित कर सकता है। मेरे स्वामी ने कहा है कि तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि मैं धन की देवी हूं। धन से इस संसार में सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। परंतु मेरे स्वामी कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि मैं शक्ति की देवी हूं, और इस संसार में कोई भी वस्तु शक्ति से अर्जित की जा सकती है। परंतु मेरे स्वामी के विचार से तो सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो अपने ज्ञान से धन और शक्ति दोनों को अर्जित कर सकता है। नारायण नारायण। तीनों देवियों के श्री चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। क्या धर्म संकट आन पड़ा है? देवर्षि नारद, बहुत उचित समय पे आपका आगमन हुआ है। अब आप ही बताइए कि तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारायण नारायण, आप तीनों में कोई नहीं है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं? तो फिर इस तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वट सावित्री मैया, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कौन है इस संसार में जो हमारी पूजा नहीं करते, हमसे याचना नहीं करते? नारायण नारायण, पृथ्वी लोक में आराधना है, जो वट सावित्री मैया की आराधना करती है। अब तो उस आराधना की परीक्षा लेनी होगी। Thank you.
माई, अभी तक तो हम आपके नैहर के प्रसाद रव्वा का खिलावत रहनी, पर अब से रव्वा के अपन ससुराल के प्रसाद खिलाई भम। पर एको बिनती बा माई, अघोरी बाबा के कहल वाणी ना कभी सत्य ना हो, कभी सत्य ना हो। हमरा के हमेशा ये आशीर्वाद दे कि हमार सुहाग हमेशा बनल रहे, हमेशा बनल रहे हमार सुहाग। जैसन रव्वा यमराज से आपन पति के रक्षा कैले रहलू ना, वैसे ही हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई, हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई। माई के आशीर्वाद मिल गए, हमरा माई के आशीर्वाद मिल गए। कहाँ से आ रही हो बेटी? दादी माँ, मैं वट सावित्री माता की पूजा करके आ रही हूँ। बेटा, वट सावित्री की पूजा क्यों करती हो? तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो, वो तुम्हें धन देंगी। तुम सरस्वती जी की पूजा करो, वो तुझे ज्ञान देंगी। तुम पार्वती जी की पूजा करो, वो तुम्हें शक्ति देंगी। और संसार में जिस स्त्री के पास ये तीनों चीजें हैं, वो स्त्री सबसे सुखी है। क्षमा कीजिएगा दादी माँ, पर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। इस संसार में वही स्त्री सुखी है जिसके पास उसका सुहाग है। एक स्त्री के पास बल, धन और ज्ञान तभी है अगर उसके पास सुहाग है। अगर सुहाग नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार में वट सावित्री माता सभी सुहागन की उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। मेरे लिए तीनों लोकों में वट सावित्री माता जैसी पूजनीय कोई भी नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे चलना है क्योंकि मेरे घर में सास ससुर और पति परमेश्वर जी भूखे हैं, उन्हें भोजन भी कराना है। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।